हर जवान आदमी को, औरत को ये सवाल पूछना ही चाहिए कि मेरी ज़िंदगी मेरी क्यों नहीं हो सकती। पर तुमने भूल ये करी है कि तुमने सवाल अच्छा पर अधूरा पूछा है, तुमने सवाल अच्छा पर अधूरा पूछा है। तुमने कहा है कि इस पूरी फिल्म में एक सीन बदला क्यों नहीं जा सकता, एक सीन नहीं बदला जा सकता, पूरी फिल्म ही बदलनी पड़ेगी। तुमने कहा है कि हमसे सब क्यों कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम अपने हिसाब से जीवन क्यों नहीं बिता सकते। तुमने कहा है कि बाकी सब तो करीब करीब वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है, बस दूसरों का हम पर पढ़ने के लिए जो दबाव है वो छूट जाए। पढ़ने के मामले में मैं दूसरों की गुलामी नहीं करना चाहता, तुमने कहा कि मैं पढ़ने के मामले में दूसरों की गुलामी नहीं करना चाहता। गुलामी न करना तो बहुत बहुत अद्भुत बात है और ऐसा होना ही चाहिए कि आप गुलामी ना करें, पर आप ऐसा कर नहीं पाओगे कि जीवन के बाकी क्षेत्रों में तो मैं गुलाम ही बना रहूं, बस पढ़ाई में मुझे मुक्ति दे दो कि मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं। भाई जो गुलाम है वो गुलाम है ही, उसका 24 घंटा गुलामी का बीतेगा, वो ये नहीं कह सकता कि इस एक घंटे में तो मुझे स्वतंत्र रहना ही चाहिए। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो पूरी मांगो, अधूरी नहीं। जिसे पूरी चाहिए उसे पूरी का अर्थ समझना पड़ेगा। पूरी स्वतंत्रता सुनने में कितनी आकर्षक लगती है, कंप्लीट फ्रीडम सुनने में ही कितना अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले कि हमें पूर्ण मुक्ति मिले हमें पूर्ण मुक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा। आज अगर तुम ये पाते हो कि दूसरे तुम पे हावी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे इशारों पे चलो, और तुमने कहा हम पे बहुत दबाव रहता है, तो उसका कारण ये है कि वही दबाव तुम्हारा जीवन बन चुका है और तुमने उसको कई रूपों में स्वीकार कर लिया है। बताता हूँ कैसे। दूसरे जब कहते हैं कि क्लास अटेंड करो तो तुमको लगता है कि ये गुलामी है, पर यही दूसरे जब तुमसे कहते हैं कि एक खास प्रोडक्ट खरीदो तो तुम खरीद लेते हो, तुम्हें गुलामी नहीं लगती। अभी ये सत्र ख़त्म होगा और इसके बाद तुम बाहर निकलोगे और तुम रोड पे जा रहे होगे और एक होल्डिंग लगा होगा और उस होल्डिंग में एक नए मोबाइल का विज्ञापन होगा और वो विज्ञापन बड़ा आकर्षक होगा। फिर वही विज्ञापन तुमको 100 बार और दिखाया जाएगा, कभी अखबार में, कभी इंटरनेट पर, कभी टीवी पर, कभी रेडियो पर सुनोगे, और कभी तुम वही मोबाइल दोस्तों के पास देखोगे नया लॉन्च हुआ है, और अंततः तुम वो मोबाइल खुद भी क्या करोगे, खरीद ही लोगे। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसे होते देखा है ना। विज्ञापनों का आधार ही यही है कि इतनी बार दिखाओ कि अंततः वो खरीद ही ले, और बिकते हैं, माल ऐसे ही बिकता है। ये गुलामी नहीं है, गुलामी है कि नहीं? क्या तुम वास्तव में मोबाइल खरीदना चाहते थे या किसी ने तुमसे खरीदवा डाला? तुम जब यहां से निकले तो तुम्हारी तो कोई इच्छा नहीं थी ना मोबाइल खरीदने की, पर किसी और ने तय कर रखा है कि मुझे अपना मोबाइल बेचना ही बेचना है मुनाफे के लिए, तो वो तुम पे हजार तरीके से दबाव डालता है और तुम वो मोबाइल अंततः खरीद ही लेते हो, और तुम ये कहते भी नहीं कि ये तो गुलामी हुई। तब तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो ये तो मेरी मर्जी है। तुमको समझ में नहीं आता कि तुम गुलाम बन गए हो। एक और उदाहरण दूं गुलामी का कि हम किस तरीके से गुलामी में ही जीते हैं और इसी कारण हमें फिर शिक्षा में भी गुलामी सहनी पड़ती है। हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज़र्स होंगे, फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, करते हैं। तुम देखो कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं। तुम देखो कि जब तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपडेट करते हो तो तुम अपनी कौन सी पिक्चर लगाते हो? जो सबसे ज़्यादा आकर्षक लगे, भले ही वो पिक्चर तुम्हारे जैसी ना लग रही हो पर आकर्षक लगनी चाहिए। जो तुम्हें जानते हो कहे तेरी है, ये बात चल जाएगी,
मेरी वो है ही नहीं, वो इतनी बनावटी है कि वो किसी और की लग रही है, पर वो सुंदर लगनी चाहिए। और वो सब तुम सिर्फ इसलिए करते हो कि दूसरे उसको पसंद करें, इसीलिए करते हो ना। तो देखो कि दूसरे तुम्हारे दिमाग पर कितना हावी हो गए कि उन्होंने तुम्हें विवश कर दिया एक झूठी, एक नकली, एक बनावटी पिक्चर लगाने पर। पर तब तुमको समझ भी नहीं आता कि ये गुलामी है, तब तुमको बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे आकर के उस पिक्चर को लाइक कर देते हैं, और तुम समझ भी नहीं पाते कि लाइक्स पाने की चाहत कितनी गजब गुलामी है। लाइक्स मिलती हैं तुम खुश हो जाते हो, और लाइक्स नहीं मिलती कोई उस पर कॉमेंट कर दे बकवास तो तुम उदास हो जाते हो। तो तुम्हारी खुशी भी दूसरे के हाथ में और तुम्हारी उदासी भी दूसरे के हाथ में, ये गुलामी नहीं है? ये गुलामी है कि नहीं है? हम में से अधिकतर लोग जब बाहर निकलते हैं और विशेषकर लड़कियां, तो बड़ा ध्यान देते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। तुम कपड़े पहनते हो, तुम मेकअप करते हो, क्या तुम अपने लिए करते हो? तुम इसलिए करते हो कोई दूसरा हमें देखे तो हम आकर्षक लगे। ये गुलामी नहीं है? ये गुलामी है या नहीं है? तुम एक फिल्म देखने जाते हो, उसमें एक गाना आता है और वो गाना बेहूदी लिरिक्स से भरा हुआ है। उस गीत के बोल निहायत ही घटिया और बदतमीजी के हैं, पर उसका जो म्यूजिक है, संगीत, उसमें कुछ ऐसी बीट्स हैं कि तुम्हें आनंद आ जाता है, तुम नाचना शुरू कर देते हो। अगर उसने तुम्हें नचा लिया तो तुम उसके गुलाम हो गए कि नहीं? एक बेहुदा गीत तुम्हें नचाए दे रहा है, उसने तुम्हारी अनुमति ली थी तुम्हें नचाने से पहले? नहीं। गुलामी है कि नहीं है देवाशीष? अभी यहां से कोई निकल जाए तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी गर्दनें उधर को मुड़ जाएंगी। वो तुम्हारा मालिक हो गया कि नहीं? ध्यान से सोचो, गुलामी हुई कि नहीं हुई? एक व्यक्ति सिर्फ यहां से गुजर के तुम्हें अपनी ओर खींच लेता है, तुम्हारा मालिक हुआ कि नहीं? तुम जा देखना तो नहीं चाहते थे उसकी ओर, तुम सुनना चाहते थे। तुम बैठे हो अभी, बिल्कुल ध्यान में बैठे हो, सुन रहे हो, पर एक छोटा सा डिस्टरबेंस तुमको बिल्कुल अस्थिर कर देगा। गुलामी है कि नहीं? जो फैशन प्रचलन में होता है तुम वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हो, वैसे ही बाल कटाना शुरू कर देते हो। जैसी भाषा और जो नए नए शब्द प्रचलन में आते जाते हैं तुम उन्हीं को बोलना शुरू कर देते हो। वो शब्द तुमने तो नहीं गढ़े, वो फैशन तुम तो नहीं लेकर के आए, पर तुम पीछे पीछे चल देते हो। ये गुलामी है या नहीं है? पर तुम उन सब गुलामियों का प्रतिकार नहीं करना चाहते, उन सब गुलामियों में तुम्हें बड़ी मौज आती है, तुम्हें पूरी मौज आती है, हाँ मुझे गुलाम ही रहने दो, बड़ा मजा आ रहा है गुलामी में। पर इस गुलामी में तुमको बुरा लगता है? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर इस गुलामी को छोड़ना है तो हर प्रकार की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि आधा गुलाम और आधा मालिक, जो मालिक है वो पूरा मालिक है और जो गुलाम है वो पूरा ही गुलाम होगा। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना मुक्त है। जिसका मन मुक्त है कोई उसे गुलाम बना नहीं सकता, कोई गुलाम बना नहीं सकता। तुम्हारा मन हजार बंधनों में बंधा हुआ है, हजार बंधनों में, वो तुम्हारा है ही नहीं, वो पूरी तरह से दूसरों का, दूसरों में भी किसी एक का नहीं, हजारों मालिक हैं तुम्हारे मन के। जब मन के हजारों मालिक हैं तो अब क्यों शिकायत करते हो कि बात बात पे मुझ पे दबाव बना दिया जाता है? तुमने खुद अपनी ये स्थिति करी है कि कोई भी आके तुम पे दबाव बना ले। तुम खुद अपने को इस हाल में ले आए हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है ही नहीं। अपना जीवन अपना होता है अपनी समझ से। जब आदमी अपने विवेक से चलता है, तुम्हारी समझ ही तुम्हें इंसान बनाती है, वही तुम्हें मुक्ति देती है। जो आदमी अपनी समझ पे चलेगा वो किसी का गुलाम नहीं।
जो आदमी नासमझी में बचपने जैसा जिएगा वो पाएगा कि हर कोई उसका मालिक बन बैठा है, बाहर की छोटी से छोटी ताकत भी उसे वशीभूत कर ले रही है, कुछ उसका अपना है ही नहीं कहीं, वो पूरा जीवन ही बस दूसरों को दिखाने के लिए जिएगा। जैसे हमने कहा ना अभी कि तुम बाहर निकलते हो तो सज लेते हो, ये ना सोचना कि तुम ही ऐसा कर रहे हो, 50-50 साल के लोग भी जिंदगी में यही कर रहे हैं, तुम बस इतना करते हो कि चेहरा चमका लेते हो, वो घर चमकाते हैं, वो कहते हैं मेरी कोठी बहुत बड़ी हो जाए, दुनिया देखेगी तो कहेगी वाह, और कोठी बहुत बड़ी बनवा लें और दुनिया वाह ना करे तो उनको लगेगा सब व्यर्थ गया, सारा पैसा डूब गया, करोड़ों की कोठी बनवाई पर कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, बहुत बड़ी गाड़ी से चलने में भी मज़ा तभी आता है जब अगल बगल वाले रुक रुक के देखें, मज़ा आ गया। तो बड़े बड़े लोग भी जीवन ऐसा ही बिता रहे हैं गुलामी का, सदा उनको परवाह यही है कि दूसरे क्या कह रहे होंगे मेरे बारे में। जिसको भी ये परवाह है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं वो परम गुलाम है। तो अगर ये बात बदलनी है जीवन से तो पूरा जीवन ही बदल डालो, और बड़ी बात नहीं है, मन बदलेगा, ये एक बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, इस एक को बदल डालो, और वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ठहर करके इसको देखना भर शुरू करो, ये क्या है, इसमें कुछ भी कहाँ से आ गया, इस एक को बदलो फिर देखो, पूरी तरह स्वतंत्र हो, मुक्ति ही मुक्ति है, कोई नहीं मालिक है तुम्हारा, ठीक है। कोई मर्जी का प्रेशर नहीं होता, ना ना ना, सारी बात का हो गया हो गया हो गया, सारी बात का अर्थ ही यही है कि तुम्हारी मर्जी तुम्हारी है नहीं। तुम वो जिस मोबाइल की हमने बात करी, जब तुम उसे खरीदने जाओगे तो यही कहोगे कि इसे मैंने अपनी मर्जी से खरीदा, पर क्या वो तुम्हारी मर्जी थी? बात ही सारी यही है कि जिसको तुम अपनी मर्जी बोलते हो वो भी तुम्हारी नहीं है, किसी और की मर्जी को तुम धोखे से अपना माने बैठे हो, किसी और की मर्जी को तुमने धोखे से अपना मान भर लिया है। यही समझ है कि मैं जानूं कि मेरी मर्जी है कहाँ, सब कुछ तो किसी और की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ, फिर हो जाओगे स्वतंत्र, ठीक है, क्लियर।